कि गलत बोल रहा है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको जुबान काट लिया जाएगा, ये हिजरा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन बीजेपी यहाँ गलत निकली, बीजेपी को डैमेज हो रहा है। आपने कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, तो मुस्लिम को बनाइए सरसंचालक। कारनामा है कि आज मोहन भागवत को जो है कहना यह पड़ रहा है कि पंडितों ने जाति बताई, समर्थन करते हैं आरक्षण का, लेकिन मंडल कमीशन का विरोध कौन कर रहा था, कौन विरोध करने वाला था, कौन कमंडल लेके निकला था, कौन अपने यहाँ आर्टिकल लिख रहा था? आलोक मेहता जब ये बयान दिए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इनके साथ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कई आपत्तिजनक शब्द की बात है उसमें लिखी हुई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक समय आएगा कि अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य ये सब आपसे सवाल करेंगे, और बीजेपी अगर हारेगी तो यूपी बिहार और झारखंड से ही हार सकती है। अगर ये राजनीति चली तो बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, आने वाले चुनाव में जो है बहुत दिक्कत होने वाला है, और इसीलिए मोहन भागवत को ये बयान मजबूरी में देना पड़ रहा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बयान दिया और कहा कि ये जो जात में लोगों को बांटा गया है वो पंडितों का कारनामा है, उनकी साजिश की वजह से बांटा गया है। हालांकि उनके बयान से लोग अचंभे हो गए हैं कि आखिरकार मोहन भागवत ने इस तरह का बयान क्यों दे दिया, इसलिए कि वो इससे पहले कहते रहे हैं कि इस देश में रहने वाला मुसलमान तक हिंदू है। और इस वक्त ये बयान आया, हमारे साथ सन्नी है, विद्वान युवा माना जाता है, बहुत पढ़ा लिखा है, इन्होंने बहुत लेक्चर दिया है। मोहन भागवत का जो बयान आया, इसे राजनीतिक बयान समझा जाएगा या ये कि बीजेपी के इशारे पर मोहन भागवत ने बयान दिया, या सही माने में उनका जो दिल है वो पिघल गया है? नहीं, ऐसा कुछ दिल नहीं पिघल गया। पहला बात उन्होंने कहा कि जाति जो है वो पंडितों ने बनाई, अब कई लोग इसका विरोध करेंगे और ये एक सच बात है, लेकिन मोहन भागवत बोले हैं इसलिए सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल नहीं किया जा रहा है। अगर सब लोग एक हैं तो आज तक जो आरएसएस के सर संचालक हुए हैं कितना दलित को बनाए हैं आप, लिस्ट बताइए, आपके साथ तो दलित भी जुड़ा हुआ है, कितना दलित को बनाए हैं? आपने कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, तो मुस्लिम को बनाइए सर संचालक, क्या दिक्कत है? ईसाई को बनाइए, मात्र एक हम लोग को, जहाँ तक हमके हमारी जानकारी है, एक ओबीसी रज्जू भैया को बनाया गया है, हेडवाकर भी, गलवलकर भी, और ये जो अभी के मोहन भागवत जी, तीनों ब्राह्मण हैं, उसके अलावा और भी जो है दो हैं वो भी ब्राह्मण कुल से आते हैं, ठीक है, तो एक ओबीसी बनाया गया जहाँ तक जानकारी है, दलित एक भी नहीं बनाया गया है, तो इस पर कब बात वो करेंगे? और ये जो आप बात बोल रहे हैं कि सब लोग एक हैं, ये इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो मामला चला था रामचरितमानस को लेकर के, और बीजेपी को लग रहा था कि इस मसले पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन बीजेपी यहाँ गलत निकली, बीजेपी को डैमेज हो रहा है। कल तक जो ओबीसी के लोग, जो पिछड़े लोग अपने आप को शूद्र बताने के से लेकर के नर्वस होते थे, अखिलेश यादव, मायावती और तेजस्वी यादव, प्रोफेसर चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सबका स्टैंड का ये कारनामा है कि आज मोहन भागवत को जो है कहना यह पड़ रहा है कि पंडितों ने जाति बताई। और यही बात जो रामचरितमानस में कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यही बात प्रोफेसर ने कहा, तो कई लोगों ने उनको कहा कि गलत बोल रहा है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको जुबान काट लिया जाएगा, ये हिजरा है, क्या क्या बोला गया। लेकिन आज मोहन भागवत ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पंडितों ने जाति बनाई, और इसलिए बनाई क्योंकि वो उच्च वर्ग में बने रहे और अपनी जो एक तरह से जो श्रेष्ठता है उसको काबिज करें। भाई तुम किसी का वेद नहीं सुनना, पंडितों ने बनाई, ये कौन लोग थे जो दलितों के गले में हड़िया टांग लेते थे, पीछे में झाड़ू, कौन लोग थे वो, कौन ये बनाया? आज इस पर जब बहस हो रही है तो आपको दिक्कत हो रहा है, और आज मोहन भागवत ने कहा तो लोगों को, लोग नहीं बोलेंगे, उसके जो मानने वाले लोग हैं वो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बात एकदम सच थी, आज मोहन भागवत ने इस बात को कहा। लेकिन आप ही समझिए कि क्यों बोला गया है, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि डैमेज कंट्रोल किया जाए, यही मोहन भागवत हैं जो कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा, और तीन दिन पहले यही मोहन भागवत हैं जो बीजेपी के कई सदस्य उस मीटिंग में थे और उन्होंने कहा कि आरक्षण का समर्थन आरएसएस करता है, और ऊंच नीच की जो भावना है, अगर किसी का एक पैर टूट गया है, ये मोहन भागवत का कोड हम कर रहे हैं, अगर एक टांग टूट गया है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस टांग को, जो टूटा हुआ लोग है उसको मिल करके आगे बढ़ाए। लेकिन 2015 में यही मोहन भागवत है जो कह रहे थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो ये ट्रेंड बदल रहा है। और जब से स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव, क्योंकि देखिए बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे से आप उस पर नहीं जी सकते हैं, वो हिंदुत्व के मामले में उसका यूएसपी है वो,
लेकिन जब ये मामला आया, मंडल का कमंडल का मामला आया, तो यहाँ बीजेपी को पता चल रहा है कि अगर आज देखिए स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ना कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, ये भीड़ वो लोगों को मजबूर कर देगी, ये जातीय जनगणना लोगों को पिछड़ों को मजबूर कर देगी। हमारा ये कहना संजय जी कि जितना बड़ा खेल शुरू हुआ बिहार से शुरू हुआ, फिर उसके बाद जगदेव बाबू का जन्मदिन था, आलोक मेहता एकदम खुल करके आ गए जिसको हरियाणा मैदान में आ जाए, तो हमको लगता है कि ये सारे मुद्दे पर बीजेपी वीक पड़ रही थी, इसलिए एक बड़े खिलाड़ी को सामने लाया कि नहीं भाई आप ही गोल दागिए बाकी लोग चुप रहेंगे। देखिए बीजेपी का ये शुरू से ही रहा है, ये सोचा समझा भाषण है, वो ऐसा मत समझिए कि वो ऐसी फ्लो में बोल गए हैं। बीजेपी को भी पता है कि अगर लोग बढ़ते हैं, अब उन्होंने क्या कहा कि सब हिंदू हैं, उन्होंने क्या कहा कि कोई जाति नहीं है, सब लोग एक हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो बीच में जो हो रहा था कि हम शूद्र हैं, आप क्षत्रिय हैं, वो वैश्य है, वो ब्राह्मण है, ये जो मामला चल रहा उसको डैमेज कंट्रोल करने का ये कोशिश है, और उसी पर ये भाषण दिया गया है। कल तक जो मोहन भागवत इस सब का एक तरह से विरोध कर रहे थे, आरक्षण का विरोध कर रहे थे, 3 दिन पहले उन्होंने कहा आरक्षण बहुत अच्छा है, आपको आरक्षण पे बीजेपी का और आरएसएस का ये मत है कि हम लोग समर्थन करते हैं आरक्षण का, लेकिन मंडल कमीशन का विरोध कौन कर रहा था, कौन विरोध करने वाला था, कौन कमंडल लेके निकला था, कौन अपने यहाँ आर्टिकल लिख रहा था, कौन लोग थे? आज वो परिस्थिति, और इसमें अगर किसी का देन है तो हम 3 नेता जिन्होंने अपने नेता का हाथ नहीं छोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ अखिलेश ने नहीं छोड़ा, लोगों को लगा कि उसको पार्टी से निकालेगा लेकिन उन्होंने महासचिव बना दिया, आलोक मेहता जब ये बयान दिए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इनके साथ हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रोफेसर साहब बोले तो कहा गया कि नहीं नहीं, सुधाकर सिंह का जैसे इस्तीफा मांगा जा रहा है उसी प्रोफेसर साहब का भी इस्तीफा मांगा जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी तेजस्वी ने कहा कि देश में अगर कोई सबसे बड़ा ग्रंथ है तो संविधान है, और इस बात को इसलिए बीजेपी जो है पता था कि ये बैकफायर होगी। आप बीजेपी का कोई नेता का बयान सुन लीजिए, इसी पर आ रहा है, हम इसी पे आ रहे हैं कि अभी हाल के दिनों में आप और हम सब लोगों ने देखा, सब जगह कवर किया कि बीजेपी के लोग लगातार बोल रहे थे, लेकिन ये जो 100 में 90 शोषित वाला मामला हुआ, चंद्रशेखर का बयान आया, उसके बाद बीजेपी के नेता तो बोलना ही छोड़ गए, एकदम बोल ही नहीं रहे इस मुद्दे पे। अब देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए किताबों की, समीक्षा का अर्थ ये होता है, आप एक चीज जान लीजिए कि समीक्षा का अर्थ ये होता है, यानी कि जिन पंडितों ने वेद और पुराण में लिखा या जो किताब जो इसमें लिखा कि कोई भी धर्म ग्रंथ आप उठा लीजिए उसमें लिखा हुआ है, कई आपत्तिजनक शब्द की बातें उसमें लिखी हुई है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इस पर आज सवाल उठ रहा है, और बीजेपी को भी पता था कि अगर ये मामला को हम डैमेज कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में जो है बहुत दिक्कत होने वाला है, और इसीलिए मोहन भागवत को ये बयान मजबूरी में देना पड़ रहा है, और उनको ना चाहने के बावजूद समर्थन करना पड़ रहा है, और ये चीज़ समझ लीजिए कि जो खाका तैयार किया जा रहा है, ये जो खाका तैयार है इस पर अगर जो समाजवादी पार्टियां हैं या जो एक तरह से कहा जाए जो मंडल की जानने वाले पार्टियां हैं अगर इस पर वो लड़ती है तो बीजेपी यहां चारों खाने चित हो सकती है, क्योंकि जब बात जातीय जनगणना की आएगी तो भले आज केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि हम इसका समर्थन करते हैं, जब वो जनता के बीच जाएंगे तो उस पर सवाल पूछा गया कि आप जो है कोर्ट में जाके हलफनापा आपने क्यों दिया कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई जब महाराष्ट्र का मामला चल रहा था तब जा करके कही कि नहीं नहीं मैं जातीय जनगणना नहीं करा रहा हूँ, लेकिन एक समय आएगा कि अनुप्रिया पटेल केशव प्रसाद मौर्य ये सब आपसे सवाल करेंगे, और बीजेपी अगर हारेगी तो यूपी बिहार और झारखंड से ही हार सकती है, अगर ये राजनीति चली तो बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, और जो मोहन भागवत फिर बार हम उनसे एक बार और अपील करना चाहते हैं, सब लोग एक हैं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, तो कृपया करके अगला जो सरसंचालक हो वो दलित समाज का होना चाहिए। तो ये थे सन्नी, इन्होंने मांग कर दी है कि आरएसएस चीफ से हमारी गुजारिश है कि अब अगर अगला जो आरएसएस का चीफ बनाया जाए वो दलित होना चाहिए, इसलिए कि आप जिस बात को कह रहे हैं आपके जबान में जो चीज़ें हैं वो दिल में भी है या नहीं है, दिमाग में भी वो बातें चल रही नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि जो लड़ाई बिहार से शुरू हुई थी वो लड़ाई अब पूरी तरह से भारत में फैल गई है और इसका परिणाम आएगा, इसी वजह से मोहन भागवत को सामने ला करके ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था और जो ऊंच नीच का मामला ये नहीं है। हालांकि इस पर बीजेपी खुल करके बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मोहन भागवत के बयान की चर्चा चारों ओर है।